गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गर्ल रिया। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आ गई एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस ये जो वीडियो है ना ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। एंड गाइस अगर और भी मेरे व्यूअर्स है तो वो भी इन वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, बट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो इन दिस वीडियो मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें बताऊंगी जो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 एप्स जो आपके मोबाइल में होना ही होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन ऐप का क्या फायदा है और ये आपके मोबाइल में क्यों होने चाहिए, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करो, आप पढ़ने जाते हो मोबाइल में लेकिन आप कुछ और खोल के बैठ जाते हो और फिर आप अपना पढ़ना भूल जाते हो और इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और मोबाइल एक तरीके के ना डिस्ट्रैक्शन है, आपको ये पढ़ने नहीं देता, तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना इसका जो है सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ। सो गाइस यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसे कौन कौन से ऐप है जो आपकी ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको रिमूव कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जो फर्स्ट ऐप है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ऐप है। सो आप स्क्रीन पे आपको शो हो ही रहा होगा, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं तभी आपको शो होगा। एक सबसे फर्स्ट ऐप है ये गाइस ये है स्टे फोकस ऐप। ये जो ऐप है ना फॉर ये ऐप इसी के लिए आप चलाने कुछ और जाते होगे और मतलब पढ़ने जाते होगे, मोबाइल से आप लोग पढ़ते होगे तो उससे क्या होता होगा कि किसी का मैसेज आ जाता होगा और फिर आप जो है उससे बात करने लग जाते होगे या यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखना स्टार्ट कर देते होगे पढ़ने के नाम पे, या अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ते हो साइड में मोबाइल पड़ा रहता है तब भी आपका डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है। जैसे किसी का मैसेज आता फटाफट फोन उठाते हो फिर आप मोबाइल चलाने में लग जाते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात हो जाती है। मेरे साथ भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस प्रॉब्लम को दूर कर दी जाए। तो इस ऐप की जो खास बात है ये गाइस क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है ऐप को, कि जितने भी आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऐप दिख रहे होंगे तो जो मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उस ऐप को जो है आप ब्लॉक कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दूंगी और यहाँ पे आपको यूजर्स टाइम मतलब आपको डेली लिमिट भी देगा कि आपको दिन में इस ऐप को कितने आवर चलाना है, तो 30 मिनट पर देन आपको चलाना, तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है 30 मिनट और तो ये तो ऑप्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे ना ब्लॉक का भी ऑप्शन है, क्विक ब्लॉक के। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं आधे घंटे के लिए पढ़ने के लिए जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी आधे घंटे तक इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का ऑप्शन और 1 मिनट आ गया, हाँ तो 23 आवर, अरे आवर में नहीं जाना मुझे, मिनट्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का मैंने लगा दिया, ठीक है मैंने 30 मिनट्स का लगा दिया है एंड इसको मैं कर दूंगी डन। अब गाइस मैं इंस्टाग्राम को 30 मिनट्स तक नहीं चला सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई मैसेज भी आएगा ना तो भी मैं नहीं चला पाऊंगी, उसको देख तक नहीं पाऊंगी। दिखाऊं कैसे नहीं देख पाऊंगी, अभी देखो मैं जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे, ये देखो ये खुलेगा ही नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ऐप है कि आप 30, एक्चुअली मैंने टाइम थोड़ा गलत लगाया है, आई थिंक सही लगाया गलत लगाया आई डोंट नो, बट आप जितनी देर तक इस ऐप जितनी देर आप पढ़ने बैठ रहे हो जितनी देर आप अपना कोई भी काम कर रहे हो मोबाइल से रिलेटेड, आपको लगता है कि ये ऐप जो है मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है आप उस ऐप को ब्लॉक कर दो उतने टाइम के लिए, और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा ये ऐप ओपन हो जाएगी। सो ये देखो ये अब ओपन नहीं होगी 30 मिनट्स तक। सो ये इससे अच्छी बात क्या इसके हो सकती है। सो गाइस यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये मिलता है कि आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपको डेली लिमिट कितनी मतलब देनी है, डेली जो बोलते हैं ना डेली क्या बोलते हैं डेली टाइम लिमिट इंस्टाग्राम को कितनी देनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 30 मिनट आपको पूरे दिन में आपको इंस्टाग्राम पे 30 मिनट देना है, तो मैंने डन का ऑप्शन कर देती हूँ मैं, ये आ जाता है, ठीक है सेव, ओके। सो अब मैं फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रही हूँ, तो जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी ना यहाँ पे ये मिनट का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सी, तो ये टाइम जो अपने आप चलता रहेगा और ये मुझे बताता रहेगा कि
आपको इतनी देर इंस्टाग्राम को यूज़ करना है तो पूरे दिन में आप केवल 30 मिनट ही यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपके 30 मिनट पूरे हो जाएंगे आप इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम के जो भी आपको अपना डिस्ट्रैक्टिंग ऐप लगता है आप उस ऐप को चूज़ कर लो। मेरे लिए इंस्टाग्राम है तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम को कर दिया। सो अब लेके आती हूँ मैं आपके लिए एक सेकेंड ऐप जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो इस ऐप का नाम है गाइस टू डू लिस्ट। तो ये जो ऐप है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको पूरे दिन में अपना क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। और क्या होता है कि आप पूरे पूरे दिन में तो आप क्या करते हो कि आप मोबाइल पे मतलब आप क्या करते हो कि जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे अपना आपने वो टाइम टेबल बना रखा होगा कि इस टाइम मुझे ये करना है इस टाइम मुझे ये करना है। बट वो डेली के लिए सही नहीं बैठ पाता है क्योंकि क्या होता है कि डेली इन द सेंस आपको अपना डेली का रोज अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर डेली में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज मुझे नानी घर जाना है, कल मुझे कहीं और जाना है, परसों मुझे ये करना है, परसों मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, तो उस हिसाब से जो है आप अपना डेली टाइम टेबल बनाया करो कि इस टाइम टेबल पे मुझे ये करना है, इस टाइम टेबल पे मुझे ये करना है। सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे एट फर्स्ट टास्क करूंगी। तो मैं क्या करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करनी है या छोड़ो या मुझे यूट्यूब की एडिटिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट सेट कर देती हूँ कि मुझे इस डेट पे करना है एंड यहाँ पे मैं टाइम सेट कर देती हूँ कि इस टाइम मुझे ये करना है, ओके। और इसको मैं कर देती हूँ क्लिक। तो जैसे ही मतलब जैसे ही टाइम होगा, जैसे ही 12 बज जाएंगे ना, वैसे ही आपके ऊपर ऑप्शन ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सेकेंड चीज आप क्या करोगे, जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आप इसके ऊपर ये क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने आपने पूरे दिन में क्या क्या चीजें करी और क्या क्या चीजें नहीं करी। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। सो गाइस जो आपके लिए मैं थर्ड ऐप लेके आ गई एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये जो ऐप है ना भगवान ने दान करी है आपको। दिखाती हूँ ये ऐप कौन सी है। सो गाइस ये जो ऐप है इसका नाम है brainly.in। इसमें जब भी आप पढ़ने बैठते होगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, स्पेशली एग्जाम टाइम में तो आपके डाउट्स ना घूम रहे होते हैं और डाउट्स क्लियर करने के लिए कोई होता भी नहीं है। तो ये जो brainly.in ऐप है ना ये जो है बहुत ज्यादा क्या करती है फ्री ऐप है। और साथ ही साथ इसमें ऐप की जो खासियत है ये बहुत ही इजी सोल्यूशन दिखाती है कि आपके एक बार दिमाग में फंस जाएगा तो ये इजी दिखाती है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आंसर नहीं बताती है। तो मुझे तो ऐसा ऐप बहुत पसंद आता है। तो जो भी आपका डाउट है आप इसमें बोलो या इसमें स्कैन कर दो तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, बहुत ही इजी सॉल्व होके आता है, यू कैन सी, ठीक है। तो आपको जो भी अपना ऐप है वो आप, अभी मैंने लॉग इन वगैरह नहीं करा हुआ इसलिए, बाकी मैं अगर फॉर एग्जांपल क्रोम पे भी अपना कोई क्वेश्चन डालती हूँ तो उसका आंसर आ जाता है। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। गूगल पे मैंने कोई भी क्वेश्चन डाला, मैं कौन सा क्वेश्चन डालूं, चलो डाल देती हूँ। फेडरलिज्म क्या डालू क्लास 10, ठीक है। सबसे ऊपर नीचे ब्रेनली तो ब्रेनली कहाँ गया, वैसे तो सबसे ऊपर ब्रेनली आता है, आई डोंट नो इस टाइम क्यों नहीं आया। ये देखो अब आ गया ना, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो देखो कितनी इजी जो है ना वो बन के आई है, क्या बोलती है, कितनी इजी डेफिनेशन इसके ऊपर लिख के आई है जो जिसको समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो ये ऐप भी मुझे बहुत पसंद आती है। एंड गाइस अगर आप स्टूडेंट हो ना तो ये तो ऐप आपके मोबाइल में होना ही होना चाहिए क्योंकि ये आपके सारे के सारे डाउट को इतना फटफट ईजी कर देती है कि क्या ही मैं बताऊं। सो यूज करना हो मुझे भी बताना कि आपको कैसा लगेगा ये ऐप, मतलब कैसा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ ऐप। सो गाइस जो मैं फोर्थ ऐप लेके आ गई हूँ ये ऐप तो भैया मतलब मजा आ जाता है इस ऐप को यूज करने में। तो मैं इस ऐप का नाम है गाइस फॉरेस्ट ऐप। सो जितने दिन में आप मतलब फॉर एग्जांपल कभी आपको समझ नहीं आता कि आप पूरे दिन में कितना पढ़ते हो और कितना टाइम वेस्ट करते हो तो ये ऐप बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्या होता है जैसे आप खोलोगे ना तो मैंने 15 जैसे मुझे 10 मिनट्स का पढ़ना है तो मैं 10 मिनट्स का इसमें सेट कर दूंगी अलार्म, 25 मिनट्स का या 60 मिनट का, जितने मतलब जितने घंटे का मुझे सेट करना है मैं उतने घंटे का सेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 मिनट्स मुझे पढ़ना है, 10 मिनट्स मुझे रिवीजन में देने हैं तो मैंने प्लांट कर दिया। अब धीरे धीरे जो है ना ये प्लांट ग्रो होना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, जो आप प्लांट देख रही हो ना साइड पे, तो ये ग्रो होगा और उसके बाद जो है आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हो, कैंसिल इन द सेंस। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इस टास्क को क्वाइट कर दिया तो क्या होगा, गिव अप कर दिया, तो ये प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा। तो ये ऐप कितना अच्छा रहता है, आपको पता चल जाएगा कि डेली आप कितना पढ़ते हो और कितने आप टास्क वेस्ट कर देते हो। और अभी तो मेरे फॉर एग्जाम्पल मम्मी का फोन यूज कर रही हूँ, मेरे फोन में तो पूरा वो बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एक वो दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है, वो भी मुरझा हुआ दिख रहा है। मेरे में तो पांच मतलब लगा है, पूरा उगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल दूंगी कि मेरे में ये कैसे शो होता है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप वीक में भी देख सकते हो कि ये वीक में कितना वो रहता है, मंथ में कितना वो रहता है, ईयर में आपने कितनी पढ़ाई करी है, मंथ में आपने पूरे मंथ में कितना पढ़ा है, पूरे वीक में आपने कितना पढ़ा है, पूरे डे में आपने कितना पढ़ा है। तो इससे आपको पता भी लग जाता है कि आपने कितना पढ़ा है पूरे दिन में। और आपको ये भी रहता है कि यार मैंने आज बहुत कम पढ़ाई करी है तो अगले दिन मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे दिन में कितना पढ़ते हो एटलीस्ट। ओके, सो ये ऐप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसमें प्लांट जो ग्रो होता रहता है। और अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो प्लाइंट जो वो बोलते हैं ना, प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं अपना भी शो कर दूंगी कि ये मेरे में कैसे शो करते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने मम्मी में डाउनलोड किया है, मेरे में तो पूरा अच्छा सा बना हुआ है। तो मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, ओके, दिख ही रहा होगा। सो या स्टार्ट करते हैं अब आपके वो फिफ्थ ऐप के साथ। चलो, सो गाइस, जो मैं आपके लिए फिफ्थ ऐप लेके आ गई हूँ, जल्दी सोना भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए जल्दी सोना बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नींद भी नहीं आती है तो आप क्या करो, तो नींद नहीं आ रही है ना, उसके लिए भी मेरे पास एक ऐप है। मैं सारे ऐप लेके आई हूँ, मुझे पता है, मैं भी खुद स्टूडेंट है तो मुझे भी पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मुझे भी नींद नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है यहाँ पे स्लीप साउंड ऐप। सो इस ऐप में क्या होता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप हेडफोन लगाओ, एयरफोन लगाओ और यहाँ पे रेन की ऑडियो मिलती है। यहाँ पे आपको मतलब हर एक जो आपको साउंड पसंद है आप उस साउंड को लगा के बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको रेन की मतलब मिल रही है, नेचर की मिल रही है, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जो आपको मतलब पसंद है आप उसको चूज कर सकते हो। और यहाँ पे खासियत ये भी है कि आपको पता है कि आप आधे घंटे में सो जाओगे तो आप आधे घंटे तक टाइम लिमिट सेट कर दो कि आधे घंटे तक मैं सो जाऊंगी, तो ये जो रेन की जो साउंड है या कोई भी साउंड है ये अपने आप ही बंद होना बंद हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप थोड़ी बहुत ऐड भी कर सकते हो। ये ऐप बहुत अच्छी है, मतलब मजा आ जाता है, बहुत अच्छी ऐप है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट ऐप है कि आप जब पढ़ के जो सोते हो तो इससे बहुत ज्यादा वो मिलती है, सोने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का भी सेट आ रहा है कि आप कितने मिनट में सो जाओगे, उतने टाइम तक आप कर दो। अगर आपको लगता है आप 20 मिनट तक सो जाओगे तो आप 20 मिनट पे कर दो, तो 20 मिनट तक ये ऐसे बसता रहेगा। और ये जब आप एयरफोन लगाते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस आती है, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। तो ये ऐप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन गाइस जो मैंने ऐप बताया है ना, ये पांचों के पांचों आपके मोबाइल में तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए, और मैंने बोला ना स्टूडेंट के अलावा अगर आप कोई और देख रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल आप एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है, तो आप इन ऐप को अपने मोबाइल में रखो और इसको यूज करो, तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, फायदे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आपको वो भी मिलती है, क्या मिलती है, आई डोंट नो। सो गाइस, बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे भी पता है कि बहुत लोगों को मोबाइल से डिस्ट्रक्शन होती ही होगी, मुझे भी होती है, तो इसलिए मैंने आपके से सोचा कि क्यों ना मैं ये ऐप आपके साथ शेयर करूं, क्या कि जो भी आपकी जो डिस्ट्रक्शन है मोबाइल से रिलेटेड वो सारी की सारी दूर हो जाए। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दिसंबर तक 10K हो जाए, क्योंकि दिसंबर में मेरा बर्थडे होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से मुझे बस मेरे 10,000 सब्सक्राइबर मिल जाए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पे मैंने सोचा कि मैं पार्टी भी करूंगी। सो जल्दी जल्दी जाके 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। सो या मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और ये भी बताना कि ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप में से बहुत से लोग इस ऐप को अब डाउनलोड भी करने जा रहे होंगे। सो मैं डिस्क्रिप्शन में इन ऐप की जो है ना लिंक डाल दूंगी, तो अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर देना। सो या मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू, बाय बाय।